सुबह सेकंड दशक से निकाला तो मैं मर जाऊंगा माफी, लेकिन इस तरह से गंदा व्यवहार कभी नहीं होगा। क्या वीरेंद्र तू मेरी बात को नहीं मानेगा? ऐसी बेहूदी बात कर बताऊंगी, लेकिन ये बात राज घराने से बाहर कदापि
मैं अपने कमरे में सोई हुई थी, लेकिन राजकुमार वीरेंद्र मेरे कक्ष में जबरदस्ती घुस गया, हमको अकेली पाके हमसे छेड़छाड़ करने लगा। मैं बहुत समझाई रामायण से लेके गीता से लेके भागवत से लेकर के, लेकिन मेरी एक न सुनी, मेरे इज्जत पे धावा बोल दिया वीरेंद्र। मैं अंत में लाचार होके हल्ला मचाई शोर मचाई, तो मेरा वफादार मंत्री बेचारा आ गया, मेरी इज्जत तो बच गई। लेकिन जल्लाद, मैं तुझे इजाजत देती हूँ, ले जाओ इस बालक को किसी भयानक जंगल में, इसकी दोनों आंख और कलेजा निकाल के मेरे सामने भरे दरबार में पेश किया जाए। अभी अनजाने मेरे नौकर की कद्र कर देता, पारानी साहब के आकर बेटा ये जल्लाद है, इस सही तरीके जल्लाद लागत है। देखा है भगवान की दुहाई दे रहा है, ले जाओ इसका लाख कलेजा मेरे सामने पेश कर निकाल दे। ये राज दरबार छोड़कर जा रहा हूँ, बहुत खुशी की बात। जाने से पहले इतना जरूर कहूंगा कि जिस तरह से आप मेरे ऊपर झूठा कलंक लगाकर एक जल्लाद के हाथ सौंप कर मुझे जान से मरवा रही हो मौसी, अरे नहीं बतुआ है जी, तो चाहता इसी वक्त का घोट के मार डालूं, लेकिन नहीं छोड़े, इस वक्त मेरा अब तेरे पर अधिकार खत्म हो गए, क्योंकि मैं जल्लाद को सौंप चुकी हूँ। तू नहीं बल्कि तेरी मौत बोल रही है। यही सब तेरी माँ हर जाए कही थी, वो भगवान की बहन, तू भगवान का बाप बन गया है, तेरे कहने तो मैं पागल। जल्लाद ले जाओ, ले जाओ, देरी मत करो, ले जाओ। ठीक कह रहे हो मौसीमा, इतना ना हंसो कि कभी वक्त आए तो रोने के लिए आपके पास आंसू न रहे। मां जाने से पहले एक आखिरी इच्छा है, चलत की लेके आवे तो हमको फौरन खबर देना।
मेरी बात सुनो, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। ठीक कहते हो जनाब, तुम्हें राज दरबार से हुक्म मिला है कि मुझे मारकर मेरा आंख और कलेजा निकालकर पहले दरबार में पेश करोगे, तुम्हें बहुत सा इनाम मिलेगा। राज का इनाम तुम्हें मुबारक हो। लेकिन मरने से पहले मैं कुछ कहना चाहता हूँ। क्या कहना चाहते हो? मेरे ऊपर जल्लाद रहम थोड़ा करो, जिस राज घराने में रह रहे हो, जिस मालिक का नमक खा रहे हो, अधिकतम से कम आज उस मालिक के नमक का हाथ तो फिर मुझे जहां समा देना, मैं मौत को हंसते हंसते गले से लगा लूंगा। जल्लाद मेरी आंख खोल दिया। आपके राजमहल में रह करके आपके पिताजी का नमक खाता चला आ रहा हूँ और खा भी रहा हूँ। आपने ऐसी बात कह करके मेरी आंख खोल दिया। वीरेंद्र मेरे भाई, छोड़ दे रहा हूँ, मैं तो आंख निकालूंगा